नवनिर्वाचित जिला सदर के नेतृत्व में कलेक्टोरेट में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ से आयतें हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का विरोध शुरू हो गया है। बड़वानी में नवनिर्वाचित जिला सदर इदरिश खान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के विरोध में सोमवार को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट में नायब तहसीलदार जगदीश बिलगावे को ज्ञापन सौंपा। बताया कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतें हटाने की याचिका दायर की है, उसे खारिज की जाए, वही वसीम रिजवी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इदरिश खान किस पद पर? जिला सदर। किस लिए आया वक्त वसीम रिजवी द्वारा जो कुरान के आयतों को हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसके विरोध में हमने यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे। क्या है मुख्य मांगे? क्या है मुख्य मांगे हमारी? ये है कि जो वसीम रिजवी द्वारा कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जो मांग की गई है वो एक असंवैधानिक तरीका है उनका, जबकि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला मैटर है, और हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और जो उन्होंने अपील जो जारी की है सुप्रीम कोर्ट को उसे खारिज किया जाए। क्या हाँ? मानते हैं इस तरह का कार्य जो होना जो किया गया है कहाँ तक वो गलत मानते हो? इस तरह का जो कार्य किया गया है ये एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।